संस्थापक रहते हैं, टाइम पीरियड रहता है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, इनका टाइम पीरियड रहता है श्रीगुप्त का। उसके बाद में इन्होंने जो राजधानी स्थापित करी, राजधानी ये कहाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं कौशाम्बी, कौशाम्बी में राजधानी बनाते हैं ये। और कौशाम्बी कहाँ पड़ता है वर्तमान में, पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी मौजूद है। शासक बन जाते हैं घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर इसके
बाल पत्र अधिकारी बनते हैं समुद्र को। हाँ जी ईस्वी है 320 से 319 ईस्वी लगभग इस समय पे ये शुरू किया गया। कई जगह पे आपको 320 मिलेगा 319 मिलेगा। अरे लगभग बताया मैंने। चलो भाई आप भी क्या बोलते हो बाल की खाल खींच लेते हो ठीक उल्टा कर दिए। बीसी कहाँ चले जाएंगे? बीसी का सातवां वंश के समय पे ये चल रहा है सारा ईस्वी। सारा ईस्वी में चल रहा है गुप्त साम्राज्य सब कुछ ईस्वी में चलेगा। बीसी में मत भागना। ईसा पूर्व में कोई लेना देना नहीं सब ये एडी चल रहा है एनो डोमेन चल रहा है ठीक है समझ में आया। चलो अब इसको समझो। समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बनते हैं चतुर्थ के जो रहते हैं बाद में। और समुद्रगुप्त जो थे इनका टाइम पीरियड रहता है 335 ईस्वी इस समय तक और इस समय से बनते हैं 380 ईस्वी तक ये। अब बताओ समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हो के बारे में तो आप कुछ जानते होंगे। एक 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 शांति से। हाँ साम्राज्य का विस्तार कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और पूर्व से लेकर पश्चिम और राजस्थान वाले क्षेत्र तक इनका साम्राज्य विस्तार था। ओके इनकी विजयों के बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है। बिल्कुल लिखते चले सभी लोग। साम्राज्य विस्तार इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर किया। इतने स्तर पर किया कि लगभग उत्तर भारत के या जिसको हम लोग बोलते हैं ना भारत को आर्यावर्त तो जो आर्यावर्त थे उसके कितने राजा मुझे किया था भैया 9 राजाओं को जीत लिया था। और दक्षिणावर्त के दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को जीत लिया था। इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा था हरिशयन नामक इनके एक बहुत ही प्रिय मंत्री या बोलेंगे बहुत ही सैन्य सलाहकार थे हरिशयन। इनके द्वारा बनवाया गया था प्रयाग प्रशस्ति जो वर्तमान प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में है जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो वर्तमान प्रयागराज में ये प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख पर जानकारी प्राप्त होती है कि आर्यावर्त के 9 राजाओं को दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को इन्होंने जीता था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन्होंने जिनको जीता था तो हमने पढ़ा था नागवंशी शासकों को ठीक है। आभीरों का प्रभाव था तो आभीर जीते थे इन्होंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में। नागवंशी शासक थे उनको जीता था। अच्छा नाग कन्या कुबेर राजा का विवाह किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? शोरो कुबेर राजा का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है। कुबेर राजा का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है ठीक है। लेकिन नाग शासकों को पराजित करने का श्रेय इनको जाता है। ओके चलिए आप और क्या जानते हो आप चलो इनके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में। मध्य प्रदेश में कदम रखने वाला पहला शासक था कुछ वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। और बताएं कविराज कहा जाता वीणा वादक इनको वीणा बजाना पसंद था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इनके सिक्कों से। सिक्कों पर वीणा वादक का चित्र अंकित किया गया है यानी कि ऐसा चित्र बनाया गया उसने जिसमें ये वीणा बजाते दर्शाए गए। तो कहा गया कि जो समुद्रगुप्त था वो ज्यादा कला का प्रेमी था या फिर वीणा बजाता था और बहुत लेख वगैरह लिखे इनको उपाधि भी दी गई है कविराज की। ये बता दूं साइड का और सर प्रयाग प्रशस्ति में सर सबसे पहले भारतवर्ष को उल्लेख मिलता है।
या प्रशस्त लेख में जानकारी मिलते हैं भारतवर्ष, सही बता रहे हो? सही बता रहे हो? ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है इन्होंने क्या किया था? अभी मैं कौन सा बता रहा था, मैं कविराज, हाँ कविराज की उनको उपाधि दी जाती है कविराज। ये दो शासन ऐसे होंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कविराज की उपाधि जो धारण करते हैं। एक कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण करी थी, एक करते हैं परमार वंश के राजा भोज, वो भी कविराज कहलाते हैं। सरस्वती को वो ज्यादा पूछते हैं और उसके साथ में सरस्वती कंठाभरण और कविराज की उपाधि धारण करते हैं समुद्रगुप्त। अच्छा, इनकी दिग्विजय के कारण कि इन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, इसके कारण इनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। कहाँ का था? फ्रांस का था। क्या किया था? पूरे राज्यों का एकीकरण किया था। फिर बिस्मार्क ने क्या किया था? वो भी युद्ध नहीं आ रहा था। फिर सेंट लुईस जो द्वीप हमने पढ़ा था अफ्रीका के पूर्व में, वहां पर उसको केंद्र किसने कर दिया गया? सेंट हेलेना है ना? क्या हुआ, क्या नाम है? ओके, लास्ट में हार जाता है, शुरुआत में कोई युद्ध नहीं हारता। ठीक है, भारत का नेपोलियन इनको क्यों कहा जाता है? पीछे बात नहीं, भारत का नेपोलियन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, नेपोलियन की तुलना क्यों की जाती है? क्योंकि नेपोलियन की जब भी कोई लड़ाई लड़ा, कोई युद्ध नहीं हारा, जब अंत में हारा तो मारा गया। तो इसी प्रकार भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल हारे ही नहीं थे। फिर बाद में इन स्वेच्छा से जो शासन वगैरह थे उनको इनके उत्तराधिकारी उन्होंने साम्राज्य सौंप दिया। भारत का नेपोलियन इनको कहा गया। ठीक है, तो ये इनके बारे में जानकारी, समुद्रगुप्त के बारे में। और कोई जानकारी हो तो आप बताएं। एरन इनके समय में जो था उसको स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता है, फिर उनका एरन स्वभोग नगर बन गया था। स्वभोग नगर क्या होता है? स्वभोग यानी स्वयं भोगना, उसके संसाधनों का उपयोग इन्होंने स्वयं किया था। ठीक है, एरन इनका स्वयं का स्वभोग नगर था। एरन मतलब सागर मैंने वो स्वभोग नगर था। क्यों? क्योंकि उसके जो संसाधनों का उपयोग उन्होंने स्वयं किया था। ठीक है, हाँ जी, देखो ये बाद में दी गई उपाधियां है ना, ये उस समय पे नहीं कहा गया कि भारत का नेपोलियन हारी सीरियल या कोई कभी नहीं कह दिया कि ये नेपोलियन था, क्योंकि वो तो नेपोलियन को जानते भी नहीं होंगे। ये बाद में लोगों के द्वारा जब साहित्यों का अध्ययन किया गया, अंग्रेज जब भारत में आए फिर हमने क्या किया, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना शुरू किया, फ्रांसीसी आए, सबके साहित्य पढ़े, उसके बाद में संज्ञाएं दी गई। चाहे आप कालिदास की बात कर लो कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में पता चला कि इनकी जो रचनाएं हैं वो उस शेक्सपियर के साथ में मैच खा रही है कि जैसे उन्होंने लिखी लगभग भारत में ऐसे इन्होंने लिखी, इस आधार पर तुलना दी गई। यहाँ पर भी कालिदास शेक्सपियर से पहले है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया नाम है कि भाई ऐसा ऐसा इन्होंने लिखा, ऐसा ऐसा कार्य इन्होंने किया। आप सरदार पटेल के ले लो, सरदार पटेल तो बाद में आते हैं, बिस्मार्क तो बहुत पहले जर्मनी का एकीकरण कर देता है, फिर भी तुलना की जाती है कि भारत का एकीकरण करने वाला सरदार पटेल था, इस कारण उसको भारत का बिस्मार्क कहा। उपाधियां बोल सकते हैं, फिर बोलेंगे बाद में दिए गए उपनाम है। ठीक है, ये समय काल से तुलना नहीं करेंगे। हाँ चलिए, तो ये हो गया समुद्रगुप्त। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी था कि इन्होंने इस वाले क्षेत्र को, मालवा वाले क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्रों को विजय कर लिया था। क्वेश्चन आता है, क्या पूछ रहे हो? किसने कहा था? बी एस स्मिथ। ठीक है भैया, इसमें याद रखना है, स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। ओके, चलिए ये बताएं, समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 380 से 345 से 380 साल के रूप में।
380 में शासक कौन बन गया उसके बाद में? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको बोला जाता है विक्रमादित्य, बहुत प्रतापी शासक इस वंश के। समुद्रगुप्त के ही समान गढ़ापु जुझा भी होता। समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड है 380 से, इनका समय काल शुरू होता है 380 से 415। अब लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम बीच में एक और शासकों को पढ़ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के पहले बीच में एक रामगुप्त नाम के शासक भी हुए। रामगुप्त नाम के शासक हुए, इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रामगुप्त के बारे में, तो रामगुप्त के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है जिनकी रामगुप्त की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। रामगुप्त की प्रतिमा विदिशा में संग्रहालय में अभी सुरक्षित है, विदिशा संग्रहालय में इनकी मूर्ति मिली है। और भी कुछ जो अभिलेख प्राप्त हुए कुछ शासकों के बाद में, तो उसमें हमें रामगुप्त नाम का एक शासक भी बीच में 380 से पहले कुछ समय तक शासन करता हुआ दिखाई दे रहा है रामगुप्त। तो इस आधार पर कहा गया कि रामगुप्त के बीच में कोई शासक थे, और जो मान्यताएं हैं और कुछ जो लेख मिले उसके आधार पर, या फिर बोलेंगे कि एक नाटक है देवी चंद्रगुप्त, सुना है इसका? विषादगत, बिल्कुल विषादगत, इनका एक नाटक है देवी चंद्रगुप्त। इस लेख से हमें प्राप्त होता है इस नाटक से कि इनका एक बड़ा भाई था रामगुप्त, और बड़े भाई ने क्या किया, सब शासकों से वो हार गए। हार गए नहीं, या फिर बोलेंगे डर गए। तो डरने के कारण क्या हुआ, सबों ने इनके सामने अजीबो गरीब शर्त रख दी, या तो आप अपनी पत्नी को हमें सौंप दो, उनका नाम था देवी का कुमार देवी उसका नाम था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी आप हमें सौंप दीजिए, बदले में हम आपको साम्राज्य को छोड़ देंगे, नहीं तो आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। रामगुप्त शायद शासक निकले, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम स्वीकार कर लिया, लेकिन इनके छोटे भाई थे कौन, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे। और ये कहा जाता है कि ये इनकी भाभी की तरह मतलब ड्रेस बदल के चले गए शिविर में, और गए जाकर वहां पर उसका मर्डर कर दिया सर शासक का, और मर्डर करने के बाद में क्या किया, उनको भगा दिया वहां से। और बाद में कहा रामगुप्त से कि आप भी शासन करने योग्य नहीं हो, इनको भी ये गद्दी से हटा देते हैं, और इनकी पत्नी जो रहती है कुमार देवी वगैरह उनके साथ में स्वयं विवाह कर लेते हैं। इन्हीं पर आधारित ये विवाह जो हुआ और बाद में इनको गद्दी प्राप्त हुई, इस पर आधारित एक नाटक लिखा गया देवी चंद्रगुप्त विशाखादित्य के द्वारा। तो इस नाटक से हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में। चलिए आप बताएं और क्या जानते हो आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में? चलिए तो हम बात करते हैं
इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया, जो पहले राजधानी कौशाम्बी चलती आ रही थी उज्जैन को राजधानी बनाया। और क्या किया इनके द्वारा, जो सपों पर विजय प्राप्त करी, यानी कि सपों के विजयों के उपलक्ष्य में, सपों पर विजय के उपलक्ष्य में, सही बोल रहे हो आप, चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है, चांदी के सिक्के जारी किए। बहुत शानदार, चीनी यात्री फाइयान इन्हीं के समय में भारत में घूमने आया था। क्या कहा था मामा की जलवायु के बारे में, किस किताब में? और बताएं और कौन से रह गए?
ये इनके नवरत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में कालिदास थे, बारहवीं थे, बेतार पढ़ते सब अपने अपने निशान में से बात करें धनवंतरी बहुत फेमस डॉक्टर थे उस समय के उस जमाने के धनवंतरी। ऐसा कहा जाता है कि धनवंतरी डॉक्टरों के देवता है ना, ऐसा कहा जाता है भारतीय सिंधु संस्कृति सभ्यता में धनवंतरी डॉक्टरों के देवता है। घटकर पर भी रहे, अमर सिंह का अमरकोश बहुत फेमस रहा, छपड़क रहे, संपूर्ण बेतार पढ़